नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके छोटे भाई के चैनल में। भाइयों, बहुत पहले मैंने आपको एक माइनिंग ऐप शेयर करा था, सातोशी माइनिंग ऐप, जिसमें आप कोलन टोकन आप माइन कर रहे थे, ठीक है। तो भाइयों, आज उसका विड्रॉ स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको किस तरह अपना वॉलेट सबमिट करना है कोलन टोकन में, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, इन्होंने एक डेट फिक्स कर रही है 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई, ठीक है। इनके बीच में अगर आपने इस टोकन को विड्रॉ कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आगे आप 20 जुलाई के बाद विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपने छोटे भाई के चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई अब सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप भी कोलन में माइनिंग कर लो, तो आपको बता दूँ कोलन माइनिंग बंद हो चुकी है। बट भाइयों, ये जो सातोशी माइनिंग ऐप है, इसमें एडोप निकलते रहते हैं जो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और जैसे ही इसका न्यू एडोप आएगा, लॉन्च होगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम में, और इस पर एक वीडियो बना दूंगा किस तरह आपको माइन करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, इस ऐप को अपने पास रख लो, बहुत अच्छा माइनिंग ऐप है, इसने बहुत अच्छे अन करके दे रखा है। जैसे अभी ये टोकन विड्रॉ रहा है, उससे पहले OKX भी इसका कॉइन आया था इससे पहले, ठीक है, वो भी विड्रॉ हुआ था, और उससे पहले कोर था वो भी विड्रॉ हुआ था और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। तो अभी आप इसको रख सकते हो, एक दो हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद एक और न्यू टोकन इसी माइनिंग ऐप में लॉन्च होगा जो आप अन कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं अपने टेलीग्राम में डाल देता हूँ, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को। तो भैया, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भैया, आपको पहले करना क्या है, कोलन टोकन को विड्रॉ करने के लिए सिंपल सी चीज़, पहले आपको अपना ऐप खोलना है, ठीक है। ऐप खोलकर इधर आप देख सकते हो, इन्होंने डिटेल लिख रही है कि आपको किस तरह इसको विड्रॉ करना है, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट, जौन सा भी आपके पास वॉलेट है, ठीक है। मैं मेटामास्क में किस तरह विड्रॉ करना है आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट में सीखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा या वीडियो बना दूंगा उस पर। तो आपको करना क्या है, पहले अपना ऐप खोलना है इस तरह, और इन्होंने लिख रखा है जुलाई 1 से 20 तक लास्ट डेट है विड्रॉ के लिए। तो हमें विड्रॉ के लिए करना क्या है, ऑप्शन आ रखा है ये, ठीक है, वॉलेट का, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब इस तरह का इंटरफेस आ रखा है, अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह कॉइन आएंगे, तो अभी इसमें कोलन नहीं दिख रहा, आपको क्या करना है, नीचे स्वाइप करना है। तो आपको देख सकते हो कोलन टोकन आ चुका है, मेरे पास 3 टोकन है। तो अब इस पर मेरे को विड्रॉ करने के लिए करना क्या है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हो, ये ऑप्शन आ रखा है, तो इसमें मांग रखा है एड्रेस। तो अब मुझे एड्रेस कहाँ से मिलेगा, एड्रेस आपको कौन सा डालना है आपको बताता हूँ। कोलन का नहीं डालना, आपको डालना है कोर वॉलेट का, ठीक है। कोर वॉलेट का एड्रेस डालने के लिए करना क्या है, सिंपल सी चीज़, अपना मेटामास्क खोलना है, ठीक है। मेटामास्क खोलने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो नेटवर्क सेलेक्ट करने के लिए करना क्या है, यह आ रहा है ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो मेरा आ रखा है कोर बैकचेन का, ठीक है। तो कोर बैकचेन का आने के बाद आपको क्या करना है, इसका एड्रेस को कॉपी करना है, ठीक है। यही एड्रेस इस तरह खुलेगा आपके पास, ठीक है, जो ये कोर का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यह आ रखा रिसीविंग एड्रेस, इस पर मेरे को क्लिक करना होगा, ठीक है भाइयों। क्लिक करने के बाद मेरे को क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मुझे इसको करना है पेस्ट, इस एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ। अब इधर डालना है मेरे को एसेट पासवर्ड, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलेगा आपको, सिंपल सी चीज़, आपको करना क्या है, ये सेटिंग का ऑप्शन आ रखा है, ठीक है, इसमें एसेट का ऑप्शन आ रखा है, एसेट पासवर्ड। तो यहाँ से आप अपना फॉरगेट कर सकते हो, अगर आप भूल गए या नया बना रहे तो यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सी चीज़, जो आप कभी मन करे आप पासवर्ड डाल सकते हो, पर वो डालना जो आपको याद रहे, ओके। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा किस तरह इसको कोर को एड्रेस ऐड करना है अपने मेटामास में, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो आपको करना क्या है, मैं ना ये आ रखा है ना ये चीज़, पहले आपको अपना मेटामास्क खोलना है, ठीक है। मेटामास्क खोलने के बाद ऐड नेटवर्क का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है।
तो अब इसमें ये डिटेल भरनी है। अब डिटेल कहाँ से मिलेगी, वो डिटेल का लिंक मैं अपने उसमें डाल दूँगा टेलीग्राम में, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से सीधा कॉपी कर सकते हो, ठीक है, या मैं सब कुछ लिख दूँगा, ठीक है, जो जो आप इधर तो कॉपी कर कर आप उस पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं ट्राई करूँगा सीधा लिंक डालकर आपको बता रहा हूँ किस तरह करना है। आपको इस लिंक पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब ये सारी डिटेल इसमें भरनी है, ठीक है, जो जो आ रही है ना, यूअर आईडी या कोर नेम, टोकन नेम, जो जो आ रखा है ये आपको भरना है, ठीक है। बड़ी वीडियो ना हो इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में करके बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज़, ठीक है। जो ये है आपको यही पेस्ट करना है, जो जो लिख रखा है ना सब देख सकते हो, तो ये सब इधर पेस्ट करना है और आपको इधर डालना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको ऐड नेटवर्क कर देना, आपके पास कोर इस तरह लिखा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ही आपको कॉपी करना है यही एड्रेस कोर का, ठीक है। कोर का एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको जहाँ इधर डालना है, ठीक है, जहाँ पे आपने विड्रॉ का ऑप्शन आ रखा है, विड्रॉ लिंक का, ठीक है, इस पर आपको ये डालना है, सिंपल सी चीज़। तो अब क्या करना है, अपना एड्रेस डाल दिया विड्रॉ का, एसिड पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, जो मैंने आपको बोला बनाने के लिए। फिर आपको करना है विड्रॉ का पे क्लिक, ठीक है। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें अब क्या आएगा कि आपको चेक कर लो कि आपने सही एड्रेस डाला है या नहीं डाला, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, ओके पे। तो अब देख सकते हो इधर आ रखा है हमारा ऑप्शन, कह रहा है, ठीक है, जीमेल आईडी मांग रहा है, मतलब कोड मांग रहा है जीमेल की, जो आपने जब अकाउंट बना होगा तो जीमेल डाला होगा इसमें, ठीक है। तो आप जीमेल कोड डालने के बाद आपको फेस वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। फेस वेरिफिकेशन कर दोगे आपका विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है फेस वेरिफिकेशन में, ठीक है, बट इस तरह ही आपको ये करना है सेम टू सेम। तो अगर फेस वेरिफिकेशन प्रॉब्लम हो तो सही सी जगह करना, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी रोशनी कम हो और अच्छी वो हो, मतलब ठीक ठाक रोशनी हो और आपका फेस सही से दिखे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, फेस वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी तब जाकर आपका विड्रॉ हो जाएगा। और विड्रॉ कब तक आएगा भाइयों, 20 या 30 तारीख को आपको अकाउंट में ये कोलन टोकन आ जाएंगे, ठीक। तो भाइयों इस तरह आपको ये विड्रॉ करना है, ठीक है, ये टोकन स्टेप बाय स्टेप बताया है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, तो माफ़ करना है चीज़ लें। तो भाइयों बस वीडियो तक की, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना छोटा भाई का चैनल। थैंक यू गाइस।